दोस्तों, रोलेक्स की घड़ियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। रोलेक्स की घड़ियां किसी फैशन स्टेटमेंट से कम नहीं है। रोलेक्स की घड़ियां स्टेटस सिंबल की तरह भी देखी जाती हैं। लेकिन आजकल हर चीज का डुप्लीकेट आने लगा है, यानी कि रेप्लिका या आप फर्स्ट कॉपी भी कह सकते हैं। और ज्यादातर ये फर्स्ट कॉपीज चाइना से बनकर आती हैं। ऐसे में ये जान पाना मुश्किल होता है कि ये ओरिजिनल है या फेक कॉपी है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे आप एक असली रोलेक्स की घड़ी और एक फेक कॉपी में फर्क कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वो जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले आती रहें। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप असली रोलेक्स की घड़ी और फेक कॉपी में फर्क कर सकते हैं। आजकल चाइना में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि वो धीरे धीरे करके इन फेक कॉपीज में इम्प्रूवमेंट करने लगे हैं। यहाँ तक कि इन फेक कॉपीज में फर्क ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। और तो और, चाइना में ऐसी ऐसी मशीन्स भी बनाई जा रही हैं जो ओरिजिनल मशीन्स की कॉपी हैं, जो ओरिजिनल रोलेक्स की घड़ियाँ बनाती हैं। वैसे तो इन नकली और असली घड़ियों को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप इन्हें टेढ़ा कर देखें तो इन पर जो लिखावट है उससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी असली और कौन सी नकली है। वहीं अगर आप टाइम सेट करने वाले डायल की तरफ देखें तो इसमें भी आपको थोड़ा सा फिनिशिंग में फर्क नजर आएगा। जो ओरिजिनल है वो बहुत ही शाइनी मेटल दिखाई दे रहा है, और जो फेक है वो थोड़ा रफ और घिसा हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इन घड़ियों के नंबर्स पर ध्यान दें तो यहाँ पर भी आपको हल्का सा फर्क नजर आएगा। ओरिजिनल घड़ी में ये नंबर्स पीवीडी कोटिंग से बने होते हैं, लेकिन फेक घड़ियों में इन्हें पेंट किया जाता है, जिस वजह से पेंट थोड़ा खराब जरूर हो जाता है। अगर आप इन घड़ियों के ग्लास पर ध्यान देंगे तो ये वैसे तो देखने में बहुत ही सिमिलर हैं, लेकिन अगर आप गौर से ध्यान देंगे तो आपको कहीं ना कहीं स्क्रैचेस या हल्का सा रफनेस जरूर नजर आ जाएगा। और अगर आप 6 डिजिट के क्राउन पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ओरिजिनल में ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और फेक में ये थोड़ा सा खराब नजर आ रहा है। आप रोलेक्स की घड़ियों में मैग्नीफाइंग ग्लास भी देख सकते हैं। अगर आप इस ग्लास को गौर से देखेंगे तो ओरिजिनल और फेक में आपको फर्क आसानी से नजर आ जाएगा। फेक घड़ियों में जो इंग्रेविंग होती हैं, वो भी ज्यादा डिफाइंड नहीं होती, उन पर भी गौर दीजिएगा। और फेक घड़ियों को पहचानने का सबसे बड़ा आसान सा तरीका है कि आप इस घड़ी के डेट सेक्शन को देखें। यहाँ पर जो नंबर्स प्रिंटेड होते हैं वो उतने साफ नहीं होते, उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। ओरिजिनल घड़ी के हिसाब से अगर आप फेक घड़ी को देखें तो इस पॉइंट से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी घड़ी असली है और कौन सी फेक कॉपी। इन घड़ियों को अगर आप पलट कर भी देखें तब भी आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अगर आप इन घड़ियों को खोल कर देखें तो आप फर्क आसानी से देख सकते हैं। अगर आप इन घड़ियों के ब्रेसलेट की तरफ देखें तो इनमें भी ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, आप इसके क्राउन को देखकर थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आपको पहचानने में मदद करेगी वो है इस ब्रेसलेट के स्क्रूज। जहाँ रोलेक्स घड़ी के स्क्रूज एकदम क्लासी दिखते हैं, वहीं फेक कॉपी के स्क्रूज बिल्कुल लोकल दिखते हैं। वहीं अगर आप इसके ऊपर इंग्रेव्ड रोलेक्स के मार्क को देखें, वो भी आपको थोड़ा अनटाइडी नजर आएगा। जहां ओरिजिनल घड़ी पर ये मार्क बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन नजर आएगा। इन सब के अलावा एक और तरीका है ये पहचानने का कि कौन सी घड़ी ओरिजिनल और कौन सी फेक है। अगर आप इसके ब्रेसलेट को अलग कर लें और सिर्फ घड़ी को वेट स्केल पर रख कर देखें तो ये 80 ग्राम्स की होती है, और अगर आप फेक को रख कर देखेंगे तो वो उससे थोड़ी हल्की ही निकलेगी। दोस्तों, फेक और रियल कॉपी में वैसे तो बहुत ही मामूली से छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आप इन डिफरेंसेस को पहचान सकते हैं। इसीलिए कोई भी महंगी चीज खरीदते समय हमेशा गौर से चीजों को ऑब्जर्व करें, उसके बाद ही चीजों को खरीदें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।